और आज है मेरी शादी का छठा दिन, तो हम लोग जा रहे हैं अपने सेरा को गंगा में या किसी नदी में डालेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के हम रहने वाले हैं और हिंदुस्तान की सभ्यता में ये है कि अपनी मिट्टी, अपने पानी, अपनी नदी, अपनी नहरों से प्यार करना। तो फूल को इधर उधर फेंकने से बेहतर ये पुष्प है, वो हार है किसी के गले का, किसी की मांग का और किसी के सम्मान का। तो इस तरह हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, उसको इज्जत और सम्मान के साथ हम डालेंगे नदी में। और अभी हम पहुंच चुके हैं एक गांव के करीब अपने, जहां पे लगा हुआ खेत में पानी। तो हमने कहा थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि सिंचाई कैसे होती है ट्यूबवेल से। तो जब भी किसी गेहूं के खेत में या धान के खेत में या किसी लाही के खेत में पानी लगता है तो बकले आ जाते हैं, वो अपना रिस्क तलाश करते हैं, उनकी रोज़ी इसी में रहती है, वो अपना खाना खाते हैं, शाम में उड़ जाते हैं। बगल में एक खेत दिख रहा होगा आपको, ये है जोता हुआ, इसमें लगाई जाएगी लाही है, सरसों है, जो भी अल्लाह जाने। और इसमें जो छिड़का है तो इसमें किसी का रिस्क है, वो है कबूतर। सूखे खेत में अल्लाह ताला ने कबूतरों का रिस्क दिया हुआ है और गीले खेत में दिया हुआ है बकलों का। तो उसकी मर्ज़ी, जहाँ जिसको जो दे दे बेशक वही जानता है। तो निकलते हैं यहाँ से, पहुँचते हैं अपनी लोकेशन में, वो खड़ी अपनी धनु, चलते हैं अपनी कार के पास और निकलते हैं यहाँ से आगे। तो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन से थोड़ी दूर। और दूसरी बात हम आपको ये बता दें कि यहाँ पे जो लोग पयाल जलाते हैं, दिल्ली में काफ़ी परेशानी होती है, हरियाणा पंजाब वाले जलाते हैं और दिल्ली वाले उसका हरजाना भुगतते हैं। तो प्लीज़ पयाल वयाल ना जलाएं, इससे क्या है कि ऑक्सीजन में कमी होती है। और ये है पहाड़ीपुर जहाँ पे जहरें लटकी हुई हैं। तो फाइनली कारवां थोड़ी दूरी पहुँचा था कि पब्लिक को लगी भूख और डिमांड है पब्लिक की समोसा। तो इससे पहले भी हमने यहीं से लिए थे समोसा, अभी फिर आते हैं आज माई के पास लेंगे समोसा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन में और ये है आदमपुर। आदमपुर में बहुत बड़ा घाट गवर्नमेंट ने बनवाया है और हमारी जायरा खा रही है समोसा और ऑरेंज। तो थारा भाई सैफी शेख पहुंच चुका है आदमपुर, अभी दिखाते हैं आपको घाट। तो फाइनली गाइस लोकेशन अपनी मिल चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। शादी काफी आसानी और बड़ी इत्मीनान और बड़ी तरीके से हो चुकी है, शादी में कोई परेशानी नहीं हुई। अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है, उसका शुक्र है, किस जबान से अदा करें वो भी कम है। तो शादी निपट गई, अब बचा है लास्ट काम, सेरे के फूल। अभी हम खोलेंगे डिग्गी और निकालते हैं जादू। ये है हमारे सेरे के फूल, जो कि सेरे फूल क्या होंगे, सिराए जाएंगे। ये आसानी से क्या रहे, हरे भरे रहे, ठंडे ठंडे रहे, जिंदगी में आसानियाँ रहें। तो अभी चलते हैं इसको लेके हम कहाँ पे, घाट पे। उधर दिखाओ घाट, घाट पे लेके चलते हैं, वहां सिराया जाएगा इनको। और हम बंद कर हेलो गाइस, हम लोग समोसा खा रहे हैं। अब ना यहां हम समुद्र पर पहुंच चुके हैं, स्विमिंग पूल पर पहुंच चुके हैं। अपना मुंह दिखाओ। तो फाइनली गाइस हम लोग स्विमिंग पूल में पहुंच चुके हैं समुद्र में। जरा तुम क्या पब्लिक को बेवकूफ बनाती हो, स्विमिंग पूल है कि गंगा है ये, और हम लोग गंगा पे आ चुके हैं। तो मैं मिलबार मामू गए हैं बहुत ज्यादा दूर। हाँ। और वो भी कपड़े उतार और चप्पल उतार के स्विमिंग करने जा रहे हैं वो। ये क्या है स्विमिंग पूल बहुत बड़ा, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल। और ये ना बहुत बड़ा स्विमिंग पूल लेकिन डंडे की तरह है। किसकी तरह है, डंडे की तरह। तो अभी हम चलते हैं फूल लेके घाट पे। तो हमारे अम्मी जी का कहना है कि सेहरे के साथ आप मछलियों को खाने का दाना डालिए, इससे वो दुआ दें आपको, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ हों। तो बोलो पूरी दुआ। हाँ, तो आप नज़ारा भी देखते रहिए और मेरी स्टोरी भी सुनते रहिए, ताकि आपको इंजॉय भी मिले और स्टोरी भी आप कान लगा के सुने। तो मसला ये है कि हमारे घरों में जो शादियां होती हैं, शादियों के बाद हम ज़्यादातर अगर टाइम मिला तो गंगा नदी में आके अपने अपने सेहरे से रहते हैं। अब भाइयों की शादी में भी आए थे तो नदी का पानी इस टाइम स्लो है, यानी कम है, लेवल डाउन है, वरना वो कॉर्नर से खड़े होकर वहीं से डाल देते, तो हमको जाना पड़ेगा अंदर। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं धारा के करीब, मियाँ बीवी, माता जी और अप्पी पीछे हैं, मिसबाउल हसन आगे हैं,
और मिजबाल हुसैन हमारा वेट कर रहे हैं कि भाई आए तो हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करें। तो पीछे बीवी, आगे शौहर, और ये सेरे के फूल, और ये धारा। चलो ब्रो, तो फाइनली गाइज ये है धारा और हमारी लोकेशन गंगा आदमपुर घाट। तो अभी यहाँ डालते हैं हम अपने सेरे का फूल। तो ये खिलता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, उसी तरीके हमारी ज़िंदगी आसान होती रहेगी और खिलती रहेगी। और अब उसके बाद हम डालेंगे मछलियों के लिए दाना। तो फाइनली गाइस सेरा सिरा दिया गया है। यो यो सैफी शेख, और हमारी जहरा भी पड़ेगी दुआ दुआ पढ़ दो जहरा। तो फाइनली गाइस हो गया अपना सेरा सिरा दिया गया, और खड़ी अपनी गाड़ी, पहुंचते अपनी गाड़ी के पास, और हमारी जहरा, और अभी हमारी जहरा दुआ पढ़ के सुनाएगी। बेटा दुआ सुना दो। हाँ मोती चाहिए, हम मोती दे रहे हैं। ये लीजिए, जहरा को देंगे सीप जिसमें से निकल चुकी है सीप, और इसके पड़े हुए कवर, ये लो। अब दुआ सुना दो बेटा, सबको दुआ सुना दो। इन्नल हमदा, ये पकड़ो, ये पकड़ो। तो इन्नल हम और हो गया सलाम फेर लो इसे, ला इलाहा इल्लल्लाह। और तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सारा काम हो चुका है। अब निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ। तो फाइनली वापस आ रहे थे हम रास्ते में, एक शादी, और ये लगा हुआ बकरियों का जाम, और पब्लिक डांस करके थक चुकी है, मजा ले रहा सब लोग, और बकरियों ने हमको घेर लिया, जाने नहीं दे रही। शाम का टाइम है, बकरियां अपने अपने घर जा रही। तो फाइनल गए सेरा सिरा के हम आ चुके हैं महात्मा गांधी उद्यान, ग्राम पंचायत हसनापुर, तिलियानी जनपद फतेहपुर। दादा घास काटने आए थे क्या? और ठीक है आप, तबीयत पानी सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास? बात सही है। बात तो सही, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कहीं होते हो घर में, बिल्कुल जायज है आपकी बात। तो एंटर कर चुके पार्क, और पार्क में ऐसा लग रहा है कि सन्नाटा जैसे लग रहा है, कोई वसूली वाला आया तो सबसे वसूल के चला गया। हाँ तो अभी फैमिली को लेके आते हैं अंदर, वो कराते हैं इंजॉय। तो फाइनली गाइज मेरी जहरा जाहिरा फातिमा आ चुकी है अंदर, और ये स्लाइड ढूंढ रही है। स्लाइड बहुत दूर है बेटा, ठीक है माल, पराया माल, ढकेला वाला हाल है, सारे उल्ले झुल्ले सब गिरा दिए पब्लिक ने, कसम खुदा की। फ्री का माल हिंदुस्तान में ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे लग रहा है कि ये आखिरी। हाँ गिर गया लाला यार, अबे मैं कुछ नहीं, नहीं गिर गया। कौन गिरा इसे? टूट गया। तो हमारी जहरा को मिल गई सिलाई पट्टी। क्या किसमें घूमोगी? सिलाई पट्टी में। हाँ इसको क्या बोलते हैं? हाँ स्लाइडिंग। हाँ, लग रहा है। तो फाइनली स्लाइडिंग मिल गई हमारी जहरा को। जहरा कह रही है हमको डर लग रहा है, तो चलो फिर तुमको समोसा खिलाएं। तो पार्क से निकलने के बाद हम आ चुके हैं अंडे के ठेले पे, और हमको अंडा सिर्फ दो दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा नीचे हैं। तो हमने इनको दिया है चार अंडे का उबला हुआ और दो अंडे का आमलेट, और हिंदुस्तान की सबसे फेमस गुटखा जिसका नाम है एसएनके, काफ़ी ज़ोरों शोर से बिक रही है। पूरी ख़त्म हो गई ना, चार पीस बची है, चाचा कहना पूरी ख़त्म हो गई, और ये भी शाम तक ख़त्म हो जाएगी। तो पब्लिक यहाँ की खाना और जूस और फल फ्रूट से ज़्यादा ध्यान देती है गुटखे में। तो कुछ मिले ना मिले आपको किसी दुकान में गुटखा ज़रूर मिलेगा। तो अभी हमारा रेडी होता है ऑर्डर, फिर मिलते हैं आपसे ऑर्डर रेडी कराने के बाद। तो फाइनली हम आए थे चेन लेने, ये मिल गए हमारे व्यापारी जो कि कटा रहे हैं बाल। अरे पीपाल ने कटा हुआ तो चेन नहीं मिले हमको, किससे ले ले उनसे। ए भैया 500 की चेन दे दो। तो फ्रेंड्स पहले मसला फंसा हुआ था चेंज का, अब चेंज मिल गया। तो चाचा अंडा लेट कर रहे हैं, तो इनके साथ हम हेल्प करा रहे हैं इनकी। यार एक अंडा फ्राई, ये देसी अंडा आ चुका है तवे में, और दो मिनट में हो जाएगा फ्राई। और थारा भाई सैफी शेख, शाम का टाइम हो गया, पार्क होने वाला है बंद, तो जल्दी जल्दी निकलवाते हैं फ्राई वाले, और आमलेट अपना बन रहा है, करते हैं नाश्ता, फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। तो फाइनली गाइस अंडा हो गया अपना रेडी, ब्रेड लगाएंगे इसी दे देंगे। ब्रेड नहीं है, ब्रेड रखा आगे, इधर देखो खराब है। तो फाइनली गाइस थारा भाई सैफी शेख कहीं भी कुछ भी कर सकता है, ये देखिए। यार भाई ये खुल नहीं रही यार,
प्लेट लो प्लेट लो प्लेट लो। 100 रुपये दिया तुमका, हिसाब कितना हुआ तुम्हारा? 4 अंडे उबले, 1-2 अंडे का आमलेट, अभी देखते हिसाब कितना हुआ। कितना हुआ चाचा? 40 65 तो रुपए हुए 65 और अंडे मिले हमको 6। तो ले चलते पार्क, खाते अंडा और करते एंजॉय। तो फाइनली गाइस अपना फ्राई और आमलेट दोनों बन गया, अभी निकालेंगे अंकल और ले चलते हैं इसको पार्क में। फाइनली हम जरा आ चुके हैं घर और व्लॉग कहीं से करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। जरा बता दो हम दिल्ली जा रहे हैं, सबसे बता अब कब आओगी? अब नहीं आओगी? अरे ऐसा ना करो, अरे प्लीज, अरे आ जाना। आज फतेहपुर से सीधा दिल्ली। क्या बजे? रात के 6 बजे। रात के 6 बजे कब आओगी वापस? नहीं आओगी? अरे आ जाना, अरे आ जाना, एक बार आ जाना। तो ब्लॉग कहीं से करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। हाँ। और जरा को ढेर सारा प्यार दें, जरा दिल्ली जा रही है ना। बाय बाय कर दो, अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अब नहीं आऊँगी। अब नहीं आऊँगी।